बीजेपी और पीडीपी की। बहुत सारी आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, उम्मीदें थी जम्मू के लोगों को भी, जो आज की रूलिंग पार्टी के समर्थक हैं उनको भी उम्मीदें थी, जो नहीं है समर्थक उनको भी उम्मीदें थी कि बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, एक क्रांति आएगी। लेकिन साल साल में मैं क्रांति देख रहा हूं, लेकिन उल्टा क्रांति चल रही, पॉजिटिव क्रांति नहीं, नेगेटिव क्रांति। मैं भी गांधीनगर से जब यहां के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक बोर्ड देखा, बहुत बड़ा बोर्ड, उसमें लिखा था स्मार्ट सिटी जम्मू। मैं अभी पढ़ ही रहा था कि गाड़ी के दोनों पहिए खाई में चल गए। तो सबसे बड़ी खाई जो थी उस बोर्ड के नीचे ही थी। तो ये स्मार्ट सिटी का नाम हमने बहुत पार्लियामेंट में सुना, लेकिन मैं भी हिंदुस्तान में घूमता हूं, मैंने आज तक वो स्मार्ट सिटी देखी नहीं कहीं। पहला बोर्ड पड़ा था तो मैं खड्डे में चला गया था। टेलीविजन में, अखबारों में हम रोज सुनते जम्मू में हो ये हुआ, कश्मीर में ये हुआ, लेकिन कहां हुआ हमको भी दिखाएं। कोई मुझे यहां एक आदमी मीडिया का या किसी भी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का कोई आदमी मुझे यहां बताइए, आए हम ये सात सालों में यहां बिल्डिंग बनी है आपको दिखा देते हैं। मैं प्राइवेट बिल्डिंग की बात नहीं करता, मैं सरकारी बिल्डिंग की बात करता। और आप में से मुझे कोई बताए कि ढाई सालों में इसी शहर में मैंने कितनी बिल्डिंगें बना के दी। आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपका सुपर, अभी सुने, आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अरे हमें सुनेंगे कि आपको सुनारा सुनेंगे। ढाई साल में हमने बनाया अपने गावट गोल्फ कोर्स, डेढ़ साल में बनाया डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल, दो साल में बनाया गांधीनगर के दो हॉस्पिटल, एक बच्चों और उनकी माताओं के लिए दो साल में बना, जीएमसी का बच्चों के लिए 200 बेड का दो साल में बना, चार अस्पताल 200 के बेड के सुपर स्पेशलिटी के, इस 6 किलोमीटर के रेडियस में 200 में बने चार। मुझे दिखाओ कि 6-7 सालों में कौन सा 10 बेड का भी हॉस्पिटल बना। आपका स्टेटमेंट दिया लक्ष्मी की शक्ति बड़ी या घटी, सरस्वती की शक्ति बड़ी या घटी, दुर्गा की शक्ति बड़ी या घटी। तो फिर सीधी सी बात, आप अपना धर्म समझते हो, आपको यह सवाल बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए। आप दुर्गा मां की बात करते हो, आप लक्ष्मी की बात करते हो, आप सरस्वती की बात करते हो, तो उनकी शक्ति को आप नष्ट क्यों कर रहे हो? अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। अब मैंने शक्ति की बात की तो बाकी बात भी कर देता हूं। आपने ये चिन्ह कहीं देखा है? मेरे सिख भाई हैं, आपने ये चिन्ह कहीं देखा है? कहां देखा है, कहां देखा आपने ये चिन्ह? हां, ये हाथ नानक जी के फोटो में दिखता है आपको? ठीक है, यहां पे शिवा की किसी ने फोटो देखी है उसमें ये चिन्ह दिखता है आपको? दिखता है? महावीर का की फोटो देखी आपने उसमें ये चिन्ह दिखता है? यहां जो हमारे मुसलमान भाई हैं,
जब आप अल्लाह का नाम लेते हो आपको अपना हाथ दिखता है, दिखता है, यू देखते हो उसको। बुद्धा का आपने पिक्चर फोटो देखी है, उसका आपको हाथ, उनका हाथ दिखता है आपको। तो सवाल यह है, इस हाथ का क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? आपको आप धर्म की बात करते हो, आप सब धर्म की बात करते हो। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो चिन्ह है जो गुरु नानक की फोटो में दिखता है, जो शिवा की फोटो में दिखता है, जो हर धर्म में दिखता है, इसका क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि इसका मतलब आशीर्वाद होता है। गलत, इसका मतलब आशीर्वाद नहीं होता है। इसका एक ही मतलब है, डरो मत, इसका यह मतलब होता है। सत्य बोलने से डरो मत, सत्य बोलो, इसका यह मतलब होता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का चिन्ह, इसीलिए चिन्ह आपको यहां दिखेगा और हर धर्म में दिखेगा।